नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण, 6 राशियां होंगी करोड़पति। दोस्तों, साल 2023 का दूसरा सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को लगने जा रहा है। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के दौरान बहुत सारी घटनाएं घटित होंगी। ये चंद्र ग्रहण अश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि को लगेगा और कुछ ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे, तो वहीं यह चंद्र ग्रहण काफ़ी भयंकर होने वाला है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण काफ़ी लंबा रहने वाला है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि 28 अक्टूबर को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण सभी राशियों पर अपना अलग अलग प्रभाव डालने वाला है, परंतु सभी राशियों में से 6 राशियाँ ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली साबित होने वाली हैं और उनको करोड़ों का धन मिलने वाला है, यानी वो करोड़पति बनने वाली हैं और धन से मालामाल होने वाली हैं। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से देश में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, जैसे कि तूफान, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। दोस्तों, 28 अक्टूबर को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण कब कहाँ है, इसका सही समय और सूतक काल, इसके अलावा कौन कौन सी राशियाँ भाग्यशाली रहेंगी और किस प्रकार का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, इनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। हम आपको सारी जानकारी देंगे। इसके साथ ही यह भारत के कौन कौन से हिस्से में दिखाई देगा और किन किन देशों में दिखाई देगा, ग्रहण काल का सूतक काल का समय और ग्रहण काल में बरती जाने वाली उन महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में आपको बताएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, उन सभी शुभ कार्यों के बारे में भी बताएंगे जो चंद्र ग्रहण के समय वर्जित रहता है और जो करने योग्य है। दोस्तों, ग्रहण काल के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आपको निश्चित तौर पर इसका शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अपने जीवन में चली आ रही किसी भी प्रकार के कष्ट और समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि ये चंद्र ग्रहण आपके लिए शुभ साबित हो और आपके पूरे परिवार के लिए शुभ साबित हो, तो वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय चंद्रदेव। दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो होगा वो मान्य होगा। इस चंद्र ग्रहण का अशुभ असर कुछ राशियों पर देखा जा सकता है, तो वहीं कुछ राशियों पर शुभ असर देखने को मिलेगा। आपको बताना चाहेंगे कि 28 अक्टूबर को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण साल 2023 का, ये भारत सहित कई देशों पर इसका असर पड़ेगा। ये चंद्र ग्रहण भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर, अंटार्कटिका और साथ ही साथ हिंद महासागर, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका, साथ ही यूरोप के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। दोस्तों, बात करें सूतक काल की, तो चंद्र ग्रहण लगने से ठीक 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है। आइए जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण कब लगेगा। दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को रात्रि 10:36 से शुरू होगा और इसका समापन रात्रि 11:52 पर होगा। ध्यान रहे दोस्तों कि ये चंद्र ग्रहण पूरी तरह से भारत में दिखाई देगा, इसलिए इस दौरान सूतक काल भी मान्य होगा और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा। सूतक काल में आपको सूतक काल के नियमों को ध्यान में रखकर ही विशेष कार्य करने चाहिए। दोस्तों, ग्रहण काल के समय बच्चे, रोगी और बीमार व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य को भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं पकाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। खान पीन के पदार्थों में तुलसी दल रखनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें गर्भवती महिलाओं को लिक्विड के अलावा कुछ भी सेवन नहीं करना चाहिए। उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी कि जब तक ग्रहण पड़े तो उनको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, यहाँ तक कि चौखट और दहलीज पर भी नहीं लागना चाहिए। साथ ही चाकू, छुई, सूरी, इसमें यानी कि जो धारदार वाली वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, वर्जित है। यानी जो काटने वाली चीज़ें हैं उसको बिल्कुल नहीं छूना है। ग्रहण काल में सोना और भोजन दोनों वर्जित है, यानी कि आपको ना तो खाना खाना है और ना ही सोना है। दोस्तों, ग्रहण काल में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी
कि खास तौर पर कोई भी ग्रहण का है उसका सूतक काल जब लगता है तो खासकर साल 2023 का ये जो दूसरा चंद्र ग्रहण है, इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा, जिससे कि कई राशियों पर इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन खासकर दोस्तों ये जो 6 राशियां हैं ये बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाली हैं, इनको धन का अंबार मिलने वाला है, यानी कि धन का खजाना मिलेगा, साथ ही यह करोड़पति भी बनने वाली हैं। जरूरतमंद लोगों को दोस्तों इस चंद्र ग्रहण में आप दान करना आपके लिए शुभ रहेगा, इस चंद्र ग्रहण में दान करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। ग्रंथों के अलावा सूतक काल में पूजा पाठ या फिर देवी देवताओं की मूर्ति भी छूना वर्जित है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल ना करें, अशुभ माना जाता है। चंद्र ग्रहण में अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको अपने जीवन में महत्वपूर्ण मंत्रों का भी जाप करना चाहिए, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण गायत्री मंत्र का जाप करें, चंद्रदेव के मंत्र का जाप करें। और इस दौरान फिर आप चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर को गंगा जल से छिड़काव करें, यथा योग संभव आप दान दक्षिणा करें और नहाने के पानी में गंगा जल डालकर ही नहाएं, और फिर अन्न वस्त्र का दान करें, और खाने पीने की चीज़ों में तुलसी दल के पत्ते आप डालें, और ग्रहण के समय आप तुलसी के पत्ते का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों साल 2023 का यह लगने वाला दूसरा चंद्र ग्रहण आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है, और यह आपके जीवन में पैसे से जुड़े, धन से जुड़े कोई भी समस्या हो आपको छुटकारा दिलाने वाला है, परंतु यह चंद्र ग्रहण हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं एक एक करके सभी राशियों का हाल, तो कौन सी वह भाग्यशाली राशियां हैं जो ग्रहण के दौरान जिन्हें सावधानियां बरतनी चाहिए, और दोस्तों यह कौन सी ऐसी राशियां जो करोड़पति बनेंगी। दोस्तों चंद्र ग्रहण में सबसे पहली राशि यहां पर है दोस्तों बताना चाहेंगे, वो है सिंह राशि। सिंह राशि को बता दें कि यह चंद्र ग्रहण आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस चंद्र ग्रहण के दरमियान आपको धन के आय को बढ़ा सकता है। ये चंद्र ग्रहण आपको कुछ सावधानी भी बरतनी है। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आप नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, और किसी जॉब के लिए किया गया आपका प्रयास आपको सफलता दिला सकता है। साथ ही साथ बता दें कि आप लोगों के लिए यह बेहतरीन साबित समय साबित होगा। सामाजिक कार्यों में मजबूती आएगी, लोगों से आपका मेल मिलाप बढ़ेगा, लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी, लोगों के प्रति आप खुशियाँ प्राप्त होंगी, साथ ही साथ सहयोग भी प्राप्त होगा। दोस्तों अगली जो राशि आती है वो है मकर राशि। दोस्तों यहाँ पर हम अगर बात करें मकर राशि वालों की, तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो व्यवसाय में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, सफलता दिलाने वाला साबित होगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, धन दौलत की प्राप्ति होगी। आप कई प्रकार के शुभ कार्य की कोशिश कर सकते हैं, आपकी कोशिशें रंग लाएगी, आपको अपने कार्यक्षेत्र में कार्यस्थल में नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती है, आपकी प्रशंसा होगी, आप अपने पुराने मित्रों से फिर से मेल मिलाप कर सकते हैं, यानी कि मुलाकात हो सकती है, आप अपने आप को स्थापित करने में सफलता हासिल करेंगे। अगली जो राशि आती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि को बता दें कि यह चंद्र ग्रहण आपके बैंक से लोन वगैरह आपको मिल सकता है, साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, और दोस्तों अचानक से आपको धन के नए स्रोत सामने आ सकते हैं, आपकी जमीन जायदाद से जुड़े मामले फैसले आपके पक्ष में आएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, राजनीति से जुड़े लोगों को बहुत लाभ होगा, उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, और आपको किसी पार्टी में प्रशंसा प्राप्त होगी, साथ ही साथ नई जिम्मेदारियां भी मिलेगी, और आप अच्छे कार्य कर रहे हैं तो इसका प्रशंसा और मान सम्मान दोनों मिलेगा। अगली जो राशि आती है दोस्तों बता दे वो है यहाँ पर मिथुन राशि। मिथुन राशि के तुम खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़रूरत पैसों की पड़ रही है, तो आपको अचानक से कहीं पर धन का भी लाभ हो सकता है, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत एवं सुधारने में काफ़ी अहम साबित होगा। आप अपने जीवन में सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों प्रेम संबंध काफ़ी मधुरता बनी रहेगी, कार्यस्थल पर चल रहे वाद-विवाद खत्म होंगे, और आपके लिए यह महत्वपूर्ण ग्रहण रहने वाला है। अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, जय श्री कृष्ण मंत्र का जाप करें। साथ ही यह समय आपके लिए कई अवसर लेकर आएगा, आप अपने स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, उन समस्याओं से आप बाहर निकल सकते हैं। आपको अपने पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, यहाँ पर आपको शुभ परिणामदायक कहा जा सकता है। अगली जो राशि आती है दोस्तों बता दें वो यहाँ पर तुला राशि। तुला राशि के जातकों इस ग्रहण के दौरान बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, साथ ही साथ आपको धन से संबंधित चीज़ों पर लाभ होने वाला है। अगर आप पैसा कहीं लगाते हैं जैसे लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में,
तो आपको लाभ मिलेगा, साथ ही साथ दोस्तों आपको आमदनी में डबल मुनाफा होगा। अगर किसी से मनमुटाव चल रहे हैं तो आपके रिश्ते टूट सकते हैं, परिवार के लोगों का भी ध्यान आपके ऊपर रह सकता है, परिवार की जिम्मेदारियां आप पर बन सकती है, समझने का प्रयास करें। और चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आपके वित्तीय स्थिति पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक करेगा। आपको किसी भी प्रकार का बदलाव या फिर किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसमें आप अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। अगर हम अगली राशि की बात करें तो वो है धनु राशि। दोस्तों इस ग्रहण का जो प्रभाव है धनु राशि वाले जातकों पर अच्छा रहेगा। आप अपने संतान को लेकर चिंतित हैं, लेकिन संतान की तरक्की से आपका मन प्रसन्न रहेगा। वाद संवाद आप लोगों के साथ होगा, आपके वरिष्ठ अधिकारी या फिर जिन लोगों से प्रोफेशनल संबंध है उनके संबंध बनाए रखने की ज़रूरत है। संतान के पराक्रम से आप बेहद खुश नजर आएंगे। ये ग्रहण आपको धन से जुड़े मामलों पर कई प्रकार के मुनाफा देगा। गुप्त धन आपको दिला सकता है, यहाँ तक कि किसी गुप्त धन के चलते आप करोड़पति बन सकते हैं। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा और आपको अपने सुख सुविधाओं के साथ धन ऐश्वर्य धन दौलत में वृद्धि करते नजर आएंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। दोस्तों साल 2023 में लगने वाला यह चंद्र ग्रहण आपके लिए काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण रहेगा। अगली जो राशि आते हैं दोस्तों मीन राशि, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। सावधानी बरतने की ज़रूरत है, दुर्घटनाओं से बचना होगा, लेन देन से बचना पड़ेगा, लेन देन के मामले में सतर्क रहने की ज़रूरत है, कर्जा बिल्कुल ना दें। हालांकि आपका रुका हुआ फसावधन मिलेगा, धन दौलत में वृद्धि होगी, आपके धन में बढ़ोतरी होगी, आप बिना किसी जॉब के भी धन कमा सकते हैं, लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, सोच समझकर कार्य करें और वैवाहिक जीवन में खुशनुमा रहेगा। लेकिन फिर भी मित्रों के साथ मनमुटाव हो सकते हैं, कोई अपना ही आपके साथ धोखा कर सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये आपके लिए काफ़ी मिला जुला असर देखने को मिलेगा, जो आपको बेहतर बनाने की आवश्यकता है। चंद्र ग्रहण में आप चंद्र ग्रहण से संबंधित मंत्रों का जाप जरूर करें। दोस्तों इस बार चंद्र ग्रहण पर आप बिना जॉब किए और व्यवसाय के भी पैसे कमा सकते हैं, साथ ही कई लाभ देखने को मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी शुभ साबित होगा। दोस्तों इस चंद्र ग्रहण में कई राशियां, कई ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे, जिनके कारण राजयोग और धनयोग का निर्माण हो रहा है, जो आपके लिए काफ़ी शुभ साबित होंगे। दोस्तों ये चंद्र ग्रहण छह राशि वालों के लिए करोड़पति बनाने का शुभ अवसर प्रदान करेगा। चंद्र ग्रहण में दोस्तों विशेष लाभ होगा, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों इसे आप लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में अपनी राशि का भी नाम जरूर लिख दीजिएगा ताकि अगले वीडियो में हम आपको बता सकें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय चंद्रदेव।